गुजरात की स्थापना के 51 वर्ष पूर्ण हुए। आज गुजरात ने 52वें वर्ष में प्रवेश किया है। गुजरात ने जब स्वतंत्र रूप से अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की तब सब लोगों को लगता था कि जिस गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं है, बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान है, उद्योग नहीं है, खेती की संभावना नहीं है, क्या यह गुजरात विकास कर पाएगा? ऐसे सवालिया निशान के साथ गुजरात ने अपनी विकास यात्रा 51 वर्ष पहले प्रारंभ की थी। आज पूरे विश्व ने गुजरात के लोहा स्वीकार कर लिया है कि गुजरात में दम है, गुजरात के पास पॉलिटिकल व्हील है एंड गुजरात कैन। ये सारी दुनिया ने देखा है, चाहे कृषि विकास हो, औद्योगिक विकास हो, सर्विस सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में गुजरात ने विकास करके देश को प्रगति की राह पर ले जाने में खुद की जिम्मेदारी भली भांति निभाई है और देश की भलाई के लिए गुजरात आगे भी अपना योगदान देता रहेगा। आज का पर्व उन वीर शहीदों को नमन करने का पर्व है। इंदु चाचा के नेतृत्व में गुजरात के युवकों ने जो आंदोलन छेड़ा था वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। भद्र का किला, जहां कांग्रेस की कचहरी हुआ करती थी, वहां से गुजरात के नौजवानों पर गोलियां चलाई गई थी, सैकड़ों नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन गुजरात के विद्यार्थी महागुजरात की मांग से पीछे नहीं हटे थे और उनकी शहादत ने रंग लाया और आज गुजरात विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए सभी मेरे गुजराती भाइयों बहनों को गुजरात के स्थापना दिवस पर अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं वादा करता हूं कि हम गुजरात को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात।